इंसान की ज़िंदगी में कई मराहल आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ें आती हैं जिससे इंसान परेशान भी हो जाता है और उसका सीना तंग भी हो जाता है। दीन के रास्ते में हो या दुनिया के रास्ते में, कामयाबी आसान नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी इन्हीं सख्त दुश्वार मरहलों से गुजरने की एक कहानी ही है। सूरह हिजर के आखिरी आयात इंसान की रूह को तस्कीन देने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं दीनी सफ़र के लिए भी, और अगर हम इसको अपनी किसी और दुनियावी मेहनत पर भी अप्लाई करना चाहें तो अल्लाह की सुन्नत और कवानीन इंसान को रहनुमाई देने के लिए काफ़ी हैं। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ईन, अल्लाह फरमाते हैं बेशक के हम काफ़ी हो जाएंगे जो लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, वो लोग जो दीन के शियार अपनाने पर मजाक उड़ाते हैं आपका, जो मुसलमानों का इस्तेहज़ा करते हैं अल्लाह के अहकाम पर अपनी ज़िंदगी गामजन करने पर। अल्लज़ीन यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा बनाते हैं किसी और को माबूद इबादत के लायक, फसौफ़ यअलमून, वो अनकरीब जान जाएंगे। हौसला देते हुए अल्लाह आगे फरमाते हैं वलकद नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुक बिमा यकूलून, और हम तहकीकन जानते हैं कि बेशक के तुम्हारा सीना तंग होता है उनकी बातों से, उनकी कड़वी जहर आलूद शिकस्त याफ्ता हौसला पस्त करने वाली और धुतकारने वाली और तहकीर और जलील करने वाली बातों से तुम्हारा सीना तंग होता है, हम जानते हैं। फसब्बिह बिहम्द रब्बिका, मुसलमानों को यह पैगाम दिया गया है बल्कि हुक्म दिया गया है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर अल्लाह के बंदे हम्द कर अपने रब की, वकुम मिन साजिदीन, और सजदे में पड़े रहो। अल्लाह जानते हैं तुम्हारे सीनों में क्या तकलीफ हो रही है, अल्लाह जानते हैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में क्या तकलीफ हो रही है। वाबुद रब्बा का, इबादत के सिलसिले में इस्तेकलाल रखो, इबादत के रास्ते में कंसिस्टेंसी रखो, इबादत के रास्ते में चलते रहो, इबादत करते रहो, हत्ता यातियकल यकीन, इस हद तक के तुम्हें मौत आ जाए, जैसे यकीन से ताबीर दी गई। तो यहाँ पर ज़िंदगी की हर स्ट्रगल से रिलेटेड अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त कानून बताया है कि अल्लाह काफ़ी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो उंगलियाँ उठाते हैं। फसौफ़ यअलमून, वो जान जाएंगे, हम जानते हैं तुम्हारे सीने में दर्द होती है, तुम तस्बीह हम्द और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, मंजिलें देना तो अल्लाह का काम है और अल्लाह के आगे झुकना बंद नहीं करना इस हद तक कि तुम अपनी मौत से जा मिलो।